हेलो मेरे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ पोयम 8, अ गुड प्ले, एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर कोलिंस. सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 इज द चिल्ड्रन मेड अ शेप विथ चेयर्स. तो बैक बेडरूम में जो चेयर्स थी उससे बच्चों ने शेप बना ली थी. नंबर 2, दे फिल्ड इट विद pillows so that it felt like they were on waves of the sea. तो उन बच्चों ने उन stairs पर soft pillows बिछा लिए थे जिससे उन्हें ऐसे लगे कि waves जो हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, उसकी उन्हें feeling आए. Number 3, Tom could not play because he fell out and hurt his knee. जो टॉम है वो नहीं खेल पाया क्योंकि वो गिर गया था और उसके घुटने में चोट लग गई और फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया. A clear. Now B, mark the sentences as true and false. Number 1, the children built a ship using wood, a saw and nails. तो ये फॉल्स है बच्चों, क्योंकि चिल्ड्रन जो बच्चे थे उन्होंने चेयर से और पिलोज से शिप बनाई थी. Number 2, it was a lot of fun for them to go sailing in the ship for many days. Yes, this is true. और उन्हें बहुत मज़ा आया क्योंकि वो सेलिंग पर उन्हें लग रहा था वो शिप पर बहुत दिनों के लिए गए हैं. Number 3, they carried an apple and a slice of cake for their play journey. तो वो उस खेल खेलने के लिए वो अपने साथ एप्पल और एक केक की स्लाइस लेके गए थे. Yes, this is true. Number 4, the poet became lonely when his friend stopped coming to play. Yes, जो उसका फ्रेंड था टॉम पोएट का, वो नहीं मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि उसके घुटने में चोट लग गई थी, तो इसलिए उसने अकेला ही रह गया लास्ट में. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोयम? पोयम में कितने बच्चे हैं? देयर आर टू चिल्ड्रन इन द पोयम, दो बच्चे हैं. नंबर 2, व्हाट वर दे प्लेइंग? क्या खेल रहे हैं वो? दे वर सेलिंग ऑन अ शिप, वो शिप पर सेल कर रहे हैं. नंबर 3, व्हाट फूड डिड दे कैरी विद फॉर देयर जर्नी? अपनी जर्नी के लिए वो अपने साथ क्या खाने का आइटम लेके गए हैं? दे कैरीड एन एप्पल एंड अ स्लाइस ऑफ केक फॉर देयर जर्नी, वो अपने साथ एप्पल और एक केक के स्लाइस लेके गए हैं. नंबर 4, व्हाई वाज द पोएट अलोन इन द एंड? एंड में पोएट जो है वो अलोन क्यों रह गया? द पोएट्स फ्रेंड टॉम फेल आउट एंड हर्ट हिज नी, पोएट का जो फ्रेंड है टॉम वो गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई, इसलिए वो अकेला रह गया. सो देयर वाज नो वन लेफ्ट विद द पोएट एट द एंड, और एंड में उसके साथ कोई नहीं रहा. नंबर 5, डू यू थिंक द शिप द चिल्ड्रन बिल्ट कुड सेल? आपको लगता है जो बच्चे जो नाव जो उन्होंने बनाई थी क्या वो सेल कर सकती है? नो, द शिप द चिल्ड्रन बिल्ट कुड नॉट सेल बिकॉज इट वॉज नॉट अ रियल शिप, क्योंकि ये रियल शिप नहीं थी. दिस शिप was built upon the stairs, ये शिप तो स्टेयर्स के ऊपर बनाई थी उन्होंने, एंड was made up of chairs and pillows, और ये chairs और pillows soft pillows से बनाई गई थी. Now part D, read the lines from the poem and answer the questions. तो बच्चों कुछ lines जो हैं poem से ली गई हैं, उसी के बेस पे क्वेश्चन आंसर हैं. तो ये लाइन है, we sailed along for days and days and had the very best of plays. क्वेश्चन नंबर ए, हु इज़ रेफर टू एज वी? वी यहाँ पर किसको रेफर किया है? वी रेफर्स टू द पोएट एंड हिज फ्रेंड टॉम. नंबर बी, वेयर वर दे सेलिंग? वो कहाँ पे सेल कर रहे थे? दे वर सेलिंग अपॉन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों पर सेल कर रहे थे. व्हाई इज द पोएट टॉकिंग अबाउट द सेलिंग एज दो इट इज़ ओवर? ये ओवर हो चुका, फिर भी वो क्यों बात कर रहे थे अबाउट सेलिंग की? द पोएट एंड हिज फ्रेंड टॉम हैव फिनिश्ड प्लेइंग द सेलिंग गेम, हो सकता है उन्होंने वो गेम बंद कर दिया हो खेलना. दैट इज़ वाई द पोएट टॉक अबाउट द सेलिंग एज दो इट इज़ ओवर, इसलिए पोएट ने ऐसे कहा कि इट इज़ ओवर. नंबर डी, वाट डज वी सेल अलॉन्ग फॉर डेज एंड डेज मीन? तो बच्चों यहाँ पर डेज एंड डेज का क्या मतलब है? बोथ द चिल्ड्रन सेल टिल टी टाइम इन द इवनिंग, तो बच्चों उन्होंने सुबह से शुरू किया खेलना और टी टाइम इवनिंग तक वो खेलते रहे. However, they enjoyed so much that it felt like they sailed along for many days. उन्होंने इतना enjoy किया सुबह से शाम तक कि उनको ऐसा लगा कि वो कई दिनों से उस ship में sail कर रहे हैं. यहाँ तक clear है बच्चों, ये question answer थे. अभी एक vocabulary section है, राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड्स. तो कुछ 10 वर्ड्स हैं यहाँ पर, उनके राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं. राइमिंग वर्ड्स होते हैं बच्चों मिलते जुलते उसे राइमिंग करते हुए. केक का हो जाएगा फेक सेक,
कार का है जार फार, ड्रॉप का चॉप शॉप, प्ले का क्ले स्ले, रेन पेन लेन, शर्ट नट हर्ट, सन बन फन, टेस्ट हेस्ट रेस्ट, वे रे से, जू लू टू। ठीक है बच्चों, ये सेक्शन भी हमने कंप्लीट किया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।